अस्सलाम वालेकुम। कल ना मैं एक वीडियो देख रहा था टिकटॉक के ऊपर, वो चल रही थी, फलस्तीन की एक बच्ची थी, यानी दो बच्चे थे, वो छोटे छोटे थे, यानी 3-4 साल के होंगे, और वो लाइन में खड़े हुए थे खाने के इंतज़ार में। वहाँ सब लोग बड़े बच्चे थे, बड़े लोग थे, सबके सब थे, वो खाना लेने के लिए यानी खड़े हुए थे, लेकिन उसका ना नंबर नहीं आ रहा था, रो रही थी बच्ची भूख से। किसी बंदे ने खैर उसको खाना ले के दिया। उसके बाद एक वीडियो और मैंने 2-3 दिन पहले देखी, फ़लस्तीन, जो वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर मामलात हो रहे हैं इसराइल के, फिर उसके बाद ये अमेरिका के बयान आ रहे हैं उसके ऊपर। ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। दरमियान में ये हुआ जी, पाकिस्तान ने पाकिस्तान में लोगों ने जो इसराइली प्रोडक्ट्स थे उसका बाइकाट किया, जैसे KFC, मैकडोनल्ड वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें थी उनका किया। लेकिन वो 1-2 हफ्ते तो सही रहा, उसके बाद ये ऐसा ऐसा आवाम ने फिर वही पुराने चीज़ें भूल गए। जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हम कुछ दिन तक तो चीज़ें याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। देखें, मेरा बात करने का मकसद ये है कि वहाँ पे एक जुल्म हो रहा है, पूरी जो मुसलमान के ममालिक हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो खामोश बैठे हुए हैं, कोई किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा, बातें सिर्फ बातों की हद तक होती। चले, हम कुछ नहीं कर सकते, यानी मैं एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ, हम और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम वहाँ जा कर चीज़ है, ठीक है जी, हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, हम उनको रोक नहीं सकते, हम कोई रैली में नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम घर बैठे हुए एक चीज़ जो इसराइल का प्रोडक्ट है उसका हम बाइकाट तो कर सकते हैं ना। यानी जैसे ये देखें जी, कोक सब चल रही थी तो उसकी जगह ये सूफी कोला आ गया, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, हमने भी रेस्टोरेंट के ऊपर ये लगा दिया। तो इसी तरीके से बाकी रेस्टोरेंट भी कर सकते हैं, बाकी घरों में भी हो रहा है, बाकी जगह पे भी हो रहा है। आप बिस्किट हैं, आप उसके अंदर आपकी मेडिसन हैं, आपकी कोई दूसरी चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी अगर आप लिस्ट निकालें ना नेट के ऊपर, तो ये हज़ारों की तादाद में अशियाँ हैं जो इसराइल के प्रोडक्ट हैं, लोगों को पता भी नहीं है। जो लोगों यानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको नहीं पता कि ये इसराइल की चीज़ें। मुझे खुद नहीं काफ़ी सारी चीज़ों का पता था कि मैं वो इस्तेमाल भी कर रहा था, लेकिन जी वो इसराइली है। यानी भाई, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इसराइल की चीज़ों का बाइकाट कर सकते हैं। यानी अगर हम कहते हैं जी, मैं कहता हूँ जी, और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, तो भाई ये तो कर लेना आप आज से आप नियत करें जी, हमने इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट हैं ना, हमने घर में इस्तेमाल करने हैं, ना हमने ऑफिस में इस्तेमाल करने हैं, ना हमने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करने हैं, ना हमने फैक्ट्री में इस्तेमाल करने हैं, ना ही इसराइली का प्रोडक्ट है, कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई साइकिल है, कोई रेल है, कुछ भी है कोई चीज़, उसके ऊपर हमने सफ़र करना है, ना हमने कोई इसराइली फ़्लाइट पकड़नी है, ना हमने कोई इसराइल से रिलेटेड किसी भी किस्म का, यानी कोई ऑनलाइन ऐप है कोई उसके अंदर, यानी कोई सोशल मीडिया का कोई भी कोई जिसके ऊपर यानी वो ऐप है तो वो हमने इस्तेमाल करनी है, हम हर चीज़ का बाइकाट करते हैं। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, आप लोग भी इसका बाइकाट करें और अपने अपने अंदर इस चीज़ को आप ये वो करना कि ये नहीं है कि इसराइल का मसला आप खामोशी इख्तियार हो गई तो हम छोड़ दें। नहीं भाई, अल्लाह ताला तो इन चीज़ों को देख रहा है ना, तो कल से नहीं, आज से अभी इसी टाइम से आप एक नेट से लिस्ट निकालें, और मैं भी कोशिश करता हूँ वो लिस्ट जो है ना मैं यहाँ पर ना साथ वो अपलोड कर देता हूँ कि जो इसराइली प्रोडक्ट्स की है, आप मेरी वीडियो के अंदर वो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नेट से भी आप निकाल सकते हैं, आप उसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं कि मैंने ये वाली चीज़ जो है ना ये इस्तेमाल नहीं करनी। थैंक यू।